So hello everyone, and a very, very good morning to everyone. Welcome to my channel and also welcome to the series of Paper One, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत सिस्टमैटिकली एंड बहुत ही अच्छे तरीके से. एंड अ गुड न्यूज कि आज की डेट से आपको रिसर्च एप्टीट्यूड भी मिलने लगेगा पैरेलली, क्योंकि एग्जाम में आपके टाइम बहुत कम है एंड पेपर वन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम सो मेनी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम सो मेनी सेक्शंस. सो आई हैव गॉन एन एक्स्ट्रा माइल, पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड आई विल ट्राई कि आपको एक दिन में दो वीडियोस मिले, एक टीचिंग एप्टीट्यूड की, एक रिसर्च एप्टीट्यूड की, जिससे आपके पैरेलली दो सेक्शंस ऑफ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस एक साथ तैयार हो पाए. तो दिस विल बी माय एफर्ट. आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते हैं एंड डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे मेरे सारे वीडियोस के. मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो अब तक आपको समझ में आ गया होगा एंड अच्छा भी लगता होगा आई होप. कम टाइम में ज्यादा चीज पढ़ते हैं हम लोग एंड विद क्वेश्चंस हम लोग उस चीज को कंप्लीटली फिक्स सील एंड कॉन्फिडेंट होके निकलते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड जिसके अंदर हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस. हम लोग ने कई सारे टॉपिक्स टीचिंग के कर लिए हैं एंड आई होप आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट फील होता होगा अब अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आप देखते होंगे. नॉट ओनली दैट, आई ऑल्सो कीप टेलिंग यू इन माई सेशंस अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स टू अप्रोच अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं बच्चे बड़ा डर जाते हैं, तो उनको एक अप्रोच मिलनी चाहिए, एक उनको एक अच्छा गाइड करने वाला इंसान होना चाहिए कि देखो भाई परेशान मत हो, इस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर आप डील करोगे तो आपका क्वेश्चन एक तो जल्दी निकलेगा एंड सटीक निकलेगा. इसी बात से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी आज की वीडियो और देखेंगे कि आज की क्लास में क्या है हमारे लिए. सबसे पहले जैसा कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है टीचर सेंटर्ड वर्सेस स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग. कौन इन दोनों में से बेटर है? अभी तक मेरी जितनी भी आपने टीचिंग की क्लासेस की है उसके थ्रू आप समझ गए होंगे कि जब भी बेटा हम लोग टीचर सेंटर्ड के बारे में बात करेंगे तो वहां पे टीचर क्या होगा, आपका डोमिनेट करेगा. वेयर एज जब भी हम लोग स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के बारे में बात करेंगे तो वहां पे आपका स्टूडेंट क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा. आपके जब टीचर सेंटर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो टीचर जो जो आपकी टिप्स एंड टेक्निक्स यूज करेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो मेथड्स यूज करेगा वो टीचर सेंटर्ड में आ जाएंगी, जहां पे टीचर के पास पूरा कंट्रोल होगा. वेयर एज आपके जब स्टूडेंट सेंटर के नजरिए से हम लोग देखेंगे तो स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, वो टीचर से डिमांड करेगा, वो टीचर से इंक्वायरी करेगा, वो अपने साथ कोलैबोरेशन करेगा एंड कोलैबोरेटेड लर्निंग के थ्रू अपने गोल्स को अचीव करेगा एंड वहां पे जो टीचर का रोल होगा टीचर की तरह नहीं फैसिलिटेटर की तरह बन जाएगा. तो आओ अब थोड़ी सी डेफिनेशंस को हम लोग देखते हैं. एक बहुत ही अच्छा सा आपके लिए डायग्राम है यहाँ पे, जहाँ पे यू कैन सी कि जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है बेटा वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बेस्ड होती है. हम लोग ने कल की क्लास में देखा था कि इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डायरेक्टेड होता है, जहाँ पे एक टीचर खड़े होकर आपको अपना ज्ञान इम्पार्ट करता है, इंफॉर्मेशन देता है. ऑल्दो इट इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर, लेकिन ये थोड़ा सा एक ऐसा टीचिंग होती है जहां पे टीचर का सेंटर रोल होता है. अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इस टाइम पे भी हम लोग की डायरेक्ट टीचिंग चल रही है, वेयर आई एम स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और सिटिंग एट अ पॉइंट एंड आई एम टीचिंग यू, गिविंग यू पीपल, इम्पार्टिंग यू पीपल विद सो मेनी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड यू पीपल आर रिसीविंग इट. वही दूसरी तरफ आपका स्टूडेंट बेस्ड जो अप्रोच होती है वहां पे स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव होता है, वहां पे टीचर नहीं बताता है कि ये कर लो या फिर वो नहीं सिखाता है. वहां पे आपके बच्चों के पास जो सवाल होते हैं, सपोज आई होल्ड अप अ जूम मीटिंग जैसे हम लोग कभी कभी करते हैं एंड वहां पे आपकी एक डाउट सॉल्विंग सेशन में रख दू, वहां पे आप लोग इंक्वायरी करोगे, अपने डाउट्स पूछोगे, क्वेश्चंस पूछोगे, वहां पे आप लोग एक्टिव रहोगे एंड वहां पे आई विल बी अ पैसिव पर्सन जस्ट एक्टिंग एज अ फैसिलिटी. एंड कभी कभी जो स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच होती है ना वो कोऑपरेटिव होती है. कभी कभी जैसे आप सारे बच्चे हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में आपस में एक दूसरे से बात करते हो, आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को डील करते हो, कोई बच्चा इंक्वायरी करता है, कोई बच्चा आंसर करता है, हेल्प करता है, तो ये एक स्टूडेंट अप्रोच होती है जहां पे स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव होते हैं एंड आपका जो टीचर होता है वो थोड़ा सा आपका डोरमेंट होता है. इसी को हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशंस के थ्रू देखेंगे. इन अ स्टूडेंट सेंटर मेथड
स्टूडेंट्स पुट ऑल ऑफ देयर फोकस ऑन द टीचर. हमारे स्टूडेंट हमारे टीचर सेंटर मेथड में बेटा जो स्टूडेंट होते हैं अपना सारा फोकस टीचर के ऊपर लगा देते हैं एंड टीचर वहां पे आपका मेन पर्सन बन जाता है. जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप लोग एक डायरेक्ट टीचिंग का पार्ट बन चुके हो जो अभी बाद में आने वाला है, जिसको हम लोग टीचर सेंटर अप्रोच बोलते हैं. यू टॉक एंड द स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली लिसन, जो कि इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा. ड्यूरिंग एक्टिविटीज, अब ऐसा तो नहीं है कि टीचर सिर्फ आके यहाँ पे आपको पढ़ाता है, हम लोग पोल भी करते हैं, हम लोग एक दूसरे से बातें भी करते हैं. तो इन टाइप की एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स वर्क अलोन एंड कोलैबोरेशन इज डिस्करेज्ड. आप सब लोग अपने अपने घर में बैठ के मेरे पोल्स का मेरे कमेंट सेक्शन में पार्ट तो बनते हो, लेकिन आप लोग सिंगल सिंगल काम करते हो. आपके टीचर सेंटर्ड अप्रोच में बेटा जो कोलैबोरेशन होता है वो डिस्करेज्ड होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे जाके आप देखोगे कि स्टूडेंट सेंटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कोलैबोरेशन. ठीक है, यहाँ पे जो आपके मेथड्स होते हैं वो तीन चार ही मेथड्स होते हैं. सबसे पहला होता है आपका लेक्चर मेथड, कि टीचर आता है आपको लेक्चर देता है, ज्ञान बांटता है और चला जाता है. दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड से एक स्टेप ऊपर, जहाँ पे टीचर बहुत सारे टीचिंग एड्स लेके आता है, ग्लोब लेके आएगा, मैप लेके आएगा, ग्राफ लेके आएगा, डायग्राम्स दिखाएगा एंड अपने लेक्चर को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रिप्रेजेंटेशन मेथड के थ्रू आपको पढ़ाता है. देन आपका थर्ड है टीम टीचिंग. अब टीम टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इसको आप किसी भी तरीके से कोलैबोरेटिव टीचिंग मत समझ लेना कि टीचर एक टीम बना के अपने बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहा है. टीम टीचिंग एक नया अप्रोच है आपकी टीचिंग की दुनिया में, जहां पे आपका सपोज टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है तो टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी एक्सपर्ट टीचर होंगे वो आपके एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं. ये चारों ही आपको टीम बना के पढ़ाएंगे. तो टीम टीचिंग एक नया अप्रोच है आपके टीचर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर, जहां पे कुछ टीचर्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज जो रखते हैं उसको एक साथ पढ़ाते हैं. ध्यान देना, दिस इज नॉट अ कोलैबोरेटिव और अ ग्रुप मेथड, दिस इज जस्ट अ टीम टीचिंग मेथड. ठीक है, आगे बढ़ेंगे और डायरेक्टली चलेंगे हम लोग लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स में. इसमें कुछ भी बेटा आपको मतलब कि बहुत घंटों घंटों तक पढ़ाने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं है. टीचर सेंटर आपको समझ में आ गया, लर्नर सेंटर अभी समझ जाओगे, क्वेश्चन करोगे और लगेगा कि अरे वाह मेरा दो स्लाइड में ही काम बन गया, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा. ठीक है, लर्नर सेंटर्ड, जैसा कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि आप लोग लर्नर हो, तो अगर आप लोग के सेंटर्ड एक अप्रोच चल रही है तो आप लोग वहां पे एक्टिव रोल प्ले करोगे एंड आपका जो फोकस होता है शिफ्ट्स द फोकस ऑफ द एक्टिविटी फ्रॉम द टीचर टू द लर्नर. आपका लर्नर सेंटर में लर्नर बीच में आ जाता है, वो एक्टिव हो जाता है एंड वो मेन पार्ट बन जाता है. दीज मेथड्स इंक्लूड, सबसे पहला जो हमारा लर्नर सेंटर्ड में होता है एक्टिव लर्निंग, इन विच स्टूडेंट्स सॉल्व प्रॉब्लम्स, आंसर क्वेश्चंस, फॉर्मुलेट क्वेश्चंस ऑफ देयर ओन, डिस्कस, एक्सप्लेन, डिबेट एंड ब्रेनस्टॉर्म ड्यूरिंग द क्लास. आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी चीजों में टीचर की आपको खास जरूरत नहीं है, आप खुद ही क्वेश्चन पुट अप करोगे, नए नए आइडियाज के साथ आओगे, एक्सप्लोर करोगे एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे. याद है हम लोग ने कुछ तीन चार क्लासेस पहले ही ब्रेनस्टॉर्मिंग को देखा था. ये एक ऐसा आपका ग्रुप मेथड होता है जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ बच्चे एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कई सारे अपने आइडियाज को डिस्कस करते हैं. ठीक है, देन सेकेंड आता है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग, जो मेरा टेलीग्राम वाला एग्जाम्पल दिया कि हम लोग टेलीग्राम पे आप लोग कैसे एक दूसरे से कोऑपरेट करते हो, जवाब देते हो, आंसर करते हो, इन विच स्टूडेंट्स वर्क इन टीम्स ऑन प्रॉब्लम्स एंड प्रोजेक्ट्स अंडर कंडीशंस दैट अश्योर बोथ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी. इंडिविजुअली भी आप इसमें काम करते हो एंड एक दूसरे के साथ टीम बना के भी काम करते हो, इसी को हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव लर्निंग, समथिंग जो आपके टीचर सेंटर्ड अप्रोच में डिस्करेज किया जाता है. क्लियर है बेटा, आगे बढ़ेंगे एंड ओके लर्नर सेंटर्ड में एक और चीज देखेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज पॉइंट नंबर 3. आपके लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में आपका इंडक्टिव मेथड अप्लाई किया जाता है. इंडक्टिव मेथड में आपको पहले चैलेंजेस दिए जाते हैं, आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए जाते हैं,
तब जाके आपको जनरल रूल की तरफ लेके जाया जाता है। इंडक्टिव मेथड जो होता है वहां पे, जैसे सपोज एक टीचर को पढ़ाना है आइंस्टाइन के बारे में कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो नॉर्मली अगर डिडक्टिव मेथड यूज किया जाए तो सबसे पहले डेफिनेशन टीचर आके पढ़ाएगी एंड फिर आपको उसके एग्जाम्पल देगी। इंडक्टिव मेथड में जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे वो पहले आपको चैलेंज या फिर एग्जाम्पल दिखाएगी कि एक बॉल लेके आएगी और उसको आपके वॉल पे फेंक के मारेगी एंड ये जो आपने एक्शन किया वॉल आपकी बॉल को वापस फेंकेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड आपको ऑटोमेटिकली बिना डेफिनेशन पढ़े समझ में आ जाएगा कि आइंस्टाइन की ये डेफिनेशन मुझे, ये रूल मुझे समझ में आ गया। तो जो इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग मेथड होता है ना, वहां पे स्टूडेंट्स आर फर्स्ट प्रेजेंटेड विद चैलेंजेस प्लस यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो एंड एग्जांपल्स। एंड इंडक्टिव एंड डिडक्टिव तो पेपर वन में इतनी बार पूछा जाता है, रिसर्च में आएगा, इंग्लिश में आपका आएगा, आपके पेपर वन में, मतलब इंडक्टिव एंड डिडक्टिव तो ऐसा क्वेश्चन है जिससे जरूर एक क्वेश्चन आपका निकल के आएगा। सो इंडक्टिव इज योर स्पेसिफिक टू जर्नल, वेयर एज आपका डिडक्टिव जो होता है जनरल टू स्पेसिफिक। इंडक्टिव मेथड्स के अंदर कई सारे मेथड्स बेटा आ जाते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, देन इंक्वायरी बेस्ड मेथड जो हम लोग समझ गए हैं कि बच्चा इंक्वायरी करता है वो एक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर मेरी क्लासेस आपको थोड़ी सी भी फास्ट लग रही हो तो कमेंट करके चले जाना एंड फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू बी अ बिट स्लो, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मेरा एम ही यही है कि आप लोगों को समझ में आए। आई डू नॉट वॉन्ट टू शो माई फ्लुएंसी ऑफ एनी काइंड। अगर आपको नहीं समझ में आता है, लगता है कि मैम थोड़ा सा धीरे आप पढ़ाइएगा, तो भी कमेंट करके जाना एंड डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगता है। ठीक है, देन आपकी केस बेस्ड लर्निंग होती है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। ध्यान देना, आपके लर्नर सेंटर्ड मेथड में वो सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं जहाँ पे बच्चा एक्टिव होता है ना कि टीचर। तो जब प्रोजेक्ट देता है आपका टीचर बच्चे को, तो बच्चा एक्टिव होता है, वो प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश करता है, देन डिस्कवर करता है, जस्ट इन टाइम टीचिंग आपकी चलती है। ठीक है, Instead of explaining a given concept and following an explanation with examples, the teacher presents students with many examples showing how the concept is used. The intent is for the students to notice by way of examples how the concept works. Instead of telling you कि भाई ये होता है, ये होता है, ये होता है, आप पहले example देते हो and फिर आप बच्चों को concept की तरफ लेके जाते हो। इसी का ही उल्टा होता है हमारा deductive method, जो I thought कि लेके आना जरूरी होगा, जो आपका general से specific की तरफ आपका जाता है। पहले ही definition, पहले ही ज्ञान बांट देते हो और फिर आप उसका examples देते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में जो सवाल हम लोग ने सबसे पहले पूछा था कि टीचर सेंटर्ड मेथड होता है ज्यादा अच्छा कि लर्नर सेंटर्ड, तो लर्नर सेंटर्ड जो मेथड होता है बेटा, वो रिपीटेडली बताया गया है कि ये ज्यादा अच्छा होता है, सुपीरियर होता है देन योर ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, जहां पे आज की डेट में लर्नर को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं ना कि आपके टीचर को। पहले के जमाने में भैया मास्टर जी होते थे, वो जो पढ़ाते थे, वो जो बोलते थे, वही इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन आज के जमाने में, नए जमाने में हम लोग लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में चल रहे हैं। ठीक है, विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इसी के साथ हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इन अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग एनवायरनमेंट टीचर्स रिकॉग्नाइज दैट ऑल लर्नर्स आर यूनिक एंड यूटिलाइज डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स। क्या आपका ये होगा लर्नर सेंटर्ड के अकॉर्डिंग? Do not provide structure and direction, kya ye hoga? Make decisions about how and what learners will learn, kya ye hoga? Ya fir do not facilitate learners' decision making process. To aapka ye question aapne padha nahi, lekin ye common sensical question hai ki agar main learner centered approach ke bare mein baat kar rahi hu to mera answer yahan pe kya banega? Aapka answer hoga, seedhi si baat hai, pehla wala answer jahan pe आपका टीचर होता है वो रिकॉग्नाइज करता है कि हर लर्नर आपका यूनिक होता है और डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स को क्या करेगा, वो यूज करेगा। ठीक है, क्लियर सारे बच्चों को? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे कि इन विच ऑफ द लर्नर सेंटर्ड मेथड्स स्टूडेंट्स आर फर्स्ट प्रेजेंटेड विद चैलेंजेस। जस्ट अभी हम लोग ने किया है ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आपको बताना है कि लर्नर सेंटर्ड मेथड में इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होता है जहां पे पहले चैलेंजेस या एग्जांपल्स दिए जाते हैं, बाद में कॉन्सेप्ट आता है। तो भाई जल्दी से कमेंट करो कि आप लोग का आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए। आप लोग का पहले आंसर आएगा तभी आई विल शो यू द आंसर।
तो आई गेस आप लोग का आंसर बन गया होगा, ज्यादा इसमें वेट करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंटली आपको समझ में आ गया होगा विच इज योर पॉइंट नंबर 3, इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे एंड विद दैट आई डू एक्सपेक्ट कि आप सब लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्नर सेंटर्ड मेथड, आपसे पूछा है इन चारों में से कि लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन सा है, इंक्वायरी मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या टीचिंग मेथड। तो तुरंत मुझे ये आंसर अपना मिल जाता है कि लर्नर वाला सिर्फ एक ही अकेला मुझे दिखाई दे रहा है जो कि है हमारा इंक्वायरी मेथड। एज आई टोल्ड यू कि मेरे कीवर्ड्स हमेशा याद रखना आप लोग, इंक्वायरी जहां पे बच्चे करते हैं, बच्चे आपके एक्टिव रोल प्ले करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड। ये तीनों ही बाकी आपके टीचर सेंटर्ड मेथड बन जाते हैं। ठीक है, देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड। अब इन चारों में से देख के बताओ कि आपका टीचर सेंटर्ड मेथड कौन सा है। क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टीचर सेंटर्ड है, क्या डिस्कशन मेथड आपका टीचर सेंटर्ड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड टीचर सेंटर्ड है या फिर इंक्वायरी मेथड टीचर सेंटर्ड है। तो कमेंट करो भाई और बताओ कि इसमें से क्या आपका आंसर होगा। खुद से जब बताओगे और बाद में आंसर देखोगे तो वो दिमाग में ज्यादा टाइम तक स्टे करेगा। सही है गलत है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत भी होगा तो आंसर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे गलत होना नहीं चाहिए, समझ में आ गया होगा। टीचर सेंटर्ड मेथड इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जहां पे आपका टीचर डेमोन्स्ट्रेट करता है अपनी लर्निंग को। ठीक है, टीच करता है आपको। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हम लोग ने टीचर मेथड पढ़ा, हम लोग ने लर्नर मेथड पढ़ा, हम लोग ने ग्रुप सेंटर्ड मेथड तो नहीं पढ़ा। तो ये भी आपका एक कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है जहां पे आपको दिमाग लगाना है कि ग्रुप में कौन सा मेथड यूज होता है। क्या लेक्चर आप ग्रुप में प्रोवाइड करते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या टीम टीचिंग एक ग्रुप सेंटर्ड मेथड है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि आपका टीम टीचिंग में तीन चार टीचर्स एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ाते हैं एंड आपको एक्सपर्ट बना देते हैं एक टॉपिक पे, तो ये तो नहीं होगा। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में, जहां डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड तो ग्रुप मेथड हो ही नहीं सकता है क्योंकि वहां पे एक टीचर अपने ज्ञान को बांटने की कोशिश करता है, तो क्या बच गया? ब्रेन स्टॉर्मिंग। आई टोल्ड यू ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग में एक ग्रुप होता है, बच्चे कई सारे टीम बना के कई सारे आइडियाज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, विच विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, चलेंगे हम लोग अपने एक और क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर लर्नर सेंटर्ड मेथड्स टीचिंग मेथड्स। अगेन आपको छाट के बताना है कि इसमें से लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होगा एंड आप लोग पढ़ो और कमेंट करो। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रीड फॉर यू, आप लोग थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओ, पढ़ो एंड आंसर करो कि इसका आंसर क्या होगा। एक्टिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग या फिर पैसिव लर्निंग। बहुत ही आसान है, बहुत ही सीधा सीधा आपको इसमें आंसर मिल जाता है कि आपका आंसर है पॉइंट नंबर 1, जहां पे आपका आंसर है एक्टिव लर्निंग आपका लर्नर सेंटर्ड होगा, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडक्टिव लर्निंग, बाकी पैसिव लर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपका ए बी सी आंसर बन जाता है। और इसी के साथ बेटा हम लोग आ जाएंगे अपने दूसरे टॉपिक की टूवर्ड्स, जो कि बहुत ही इंटरकनेक्टेड टॉपिक है। आज जो टॉपिक है वो अलग टॉपिक नहीं है। पहला है आपका डायरेक्ट टीचिंग, जहां पे टीचर डायरेक्टली आपको पढ़ाता है। देन दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टीचिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्ट टीचिंग को, विच इज विथ डायरेक्ट टीचिंग अ टीचर यूजुअली गिव्स इंफॉर्मेशन इन अ वेरी एक्सप्लिसिट मैनर। जो अभी चल रहा है कि मैं एक डायरेक्ट टीचिंग का पार्ट बन चुकी हूं, वेयर आई एम एक्सप्लिसिटली आउटवर्डली गिविंग यू माय इंफॉर्मेशन माय नॉलेज, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्ट टीचिंग के अंदर आपका टीचर स्टूडेंट को ज्ञान बांटता है एंड एक्सपेक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब इसको आप नॉर्मल ट्रेडिशनल टाइप की समझ सकते हो, जहां पे आपका टीचर क्लास में आता है एंड डायरेक्टली आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देता है एंड कहता है कि भाई क्लास में आपको फर्स्ट आना है। फॉर द टीचिंग एस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, अ टीचर मे स्टैंड एट द फ्रंट ऑफ द क्लास एंड लेक्चर द स्टूडेंट्स अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। कि इस पर्टिकुलर आपके मेथड में सेम टीचर सेंटर्ड की तरह कि टीचर आ जाएगा, आपको लेक्चर देगा, डिमॉन्स्ट्रेशन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें आपकी आ जाती हैं?
प्रेजेंटिंग स्टिमुलस मटेरियल। अब ये तरीका है आपके हायर एजुकेशन में आके नॉर्मल चीज को कठिन शब्द देने का। स्टिमुलस मटेरियल का सीधा सीधा मतलब भैया है आपका सिलेबस, कि हमारा जो मटेरियल होता है वो सिलेबस होता है, उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये बड़ा थोड़ा हाई स्टैंडर्डाइज्ड वे में लिखा गया है। टीचर यहाँ पे आपको ज्ञान बांटता है सिलेबस के थ्रू, स्टिमुलस मटेरियल बोला गया है। दूसरा, एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, प्रोवाइडिंग फीडबैक ग्रुप एंड डिस्कशन। आपका आपका जो डायरेक्ट टीचिंग होता है, मात्र ऐसा नहीं होता है कि टीचर आया है वहां पर बस पढ़ा के चला गया। आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, आपसे फीडबैक भी डिमांड करता है कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे आई ऑलवेज डू। देन कभी कभी एक ग्रुप डिस्कशन भी कराता है कि देखो हम लोग ने ये पढ़ा, ऐसे किया। जैसे हम लोग कभी कभी आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग लाइव जाते हैं, बात करते हैं, तो ये चीजें भी आपके डायरेक्ट टीचिंग में इन्वॉल्व होती हैं बेटा, ठीक है। थर्ड है आपका गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिस। यहाँ पे आपकी जो प्रैक्टिस कराई जाती है वो गाइडेड होती है। आई कीप गाइडिंग यू एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। आपके सामने मैं क्वेश्चंस भी करती हूँ या आपको कराती हूँ, तो वहां पे आई एम कॉन्स्टेंटली गाइडिंग यू। तो यहाँ पे टीचर बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बेटा इनडायरेक्ट टीचिंग होता है आपका, जहां पे इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज व्हेन अ टीचर वर्क्स मोर लाइक अ फैसिलिटेटर देन एन इंस्ट्रक्टर। हम लोग ने इतनी बार ये अलग अलग तरीकों से रिपीट कर लिया है कि आप लोग को बिल्कुल मन में बैठ गया होगा, एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको कभी भी अब इसमें से प्रॉब्लम होगी। इस पर्टिकुलर थिंग में आपका टीचर फैसिलिटेटर बन जाता है। जो ये टाइप होता है वहां पे स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। जैसा हम लोग ने पहले भी देखा कि स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। आपको लर्न करने हैं ये चीजें। यहाँ पे आपका कंसेप्ट को बिल्ड किया जाता है प्रेजेंटेशन के थ्रू और एग्जांपल्स के थ्रू। ये आपको याद रखना है, एग्जांपल्स वाला जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल दिए जाते हैं। देन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है इंक्वायरी बेस्ड प्रेजेंटेशन के थ्रू। आप लोग बार बार इंक्वायरी करते हो, ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। आप लोग का रोल अगर एक्टिव है तो आप लोग के क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, rather than just a teacher coming up and telling you his knowledge, ठीक है। स्टूडेंट्स यूजिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं। जैसे हम लोग ने कई बार जूम मीटिंग्स की हैं, तो आप लोग हर बच्चे ने अपना नया नया एक्सपीरियंस बताया था कि भाई ये मेरा ये अटेम्प्ट है, मुझे इस बार ये सीखने को मिला, मेरे PYQs से मुझे मदद मिली थी, एंड आपका तरीका मैम सही था, हम लोग ने किया भी है, एंड आप लोग ने एक्टिव इन्वॉल्वमेंट वहां पे दिखाया है। सिम्युलेशन, रोल प्लेइंग, पेरेंट शेयर, एक दूसरे के साथ काम करना, सिम्युलेशन करना। बच्चा कभी कभी खुद टीचर बन के पढ़ाने की कोशिश करता है, रोल प्ले करता है, एंड उसी के थ्रू वो सीख जाता है। देन प्रोजेक्ट्स एंड लैब वर्क, यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा इन्वॉल्व है इनडायरेक्ट टीचिंग में, तो प्रोजेक्ट उसको दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल लैब वर्क दिया जाता है जिससे वो खुद करके सीखता है, ठीक है। देन पार्टिसिपेटिव एंड कोलैबोरेटिव वर्क, ये आपको समझ में आ गया होगा। देन इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर इन सेशंस, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, वरना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाएगा। डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही कम टाइम में दो अगेन बहुत ही अच्छे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सब में से आपको इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी खोजनी है। पॉइंट नंबर 1, गेनिंग अटेंशन, informing the learner of the objective and presenting the stimulus material. याद है stimulus material हम लोगों ने किसमें देखा, direct teaching के अंदर, जहाँ पे teacher आके अपना syllabus पढ़ाता है। तो A वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे ही मुझे पता चल गया कि A वाला गड़बड़ है, मैं A वाला तुरंत काट दूंगी, and इसी के साथ मेरा एक option कट जाता है। Point number B, concept building through examples and non-examples. हम लोगों ने अभी देखा कि आपके इनडायरेक्ट टीचिंग के अंदर किसी भी चीज को एक्सप्लेन किया जाता है ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देके। तो भाई बी वाला पॉइंट तो होगा ही होगा, एंड आई विल सी कि बी वाला पॉइंट कहाँ कहाँ नहीं है। तो पहले में है, आपके तीसरे में है, चौथे में नहीं है, मैं ऑटोमेटिकली इसको कट कर दूंगी, एंड आई एम ओनली लेफ्ट विद टू ऑप्शंस। नाउ आई विल सी या तो बी डी ई होगा या तो बी सी डी होगा। सी में चलते हैं, एक्सप्लेनिंग, एग्जाम्प्लीफिकेशन एंड प्रैक्टिस। यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। मुझे थोड़ा सा ये डायरेक्ट टीचिंग के जैसा लग रहा है, बट स्टिल आई विल गो ऑन एंड सी आगे जाके।
प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन विद पेयर शेयर टेक्निक। भाई पेयर शेयर टेक्निक हम लोग की डायरेक्ट टीचिंग में तो नहीं होती है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन तो होगा ही होगा। बी मिल गया, डी मिल गया, तो क्या मेरा ऑप्शन है? अरे यहाँ पे भी बी और डी है, यहाँ पे भी बी और डी है, तो अब डिसाइडिंग मेरा बन जाएगा ई। Encouraging students to use references from their own experiences. बिल्कुल करेक्ट। तो मेरे जितने बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट वाले हैं मैं उसको लूंगी, which is B, D, N, E, and this becomes my answer. ये होती है सही अप्रोच एक क्वेश्चन को डील करने की। बेटा कभी भी बड़ा क्वेश्चन देख के परेशान नहीं हुआ जाता, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, Identify the teaching strategies which are employed during the indirect instruction. Indirect instruction से आपके बार बार questions पूछे जाते हैं, ये वाला question आपको comment करके बताना है। Point number one, emphasizing direct and indirect examples. Again examples के बारे में पूछा गया है। Presenting stimulus material. Stimulus material किसका part था? समझ में आ गया होगा। Inquiry based learning कहाँ पे होती है? ये भी आपको पता है। Presenting, asking and providing feedback. देखो अभी तक मुझे A बिल्कुल सही लग रहा है, आपका inquiry based बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है? A and C, क्या ऐसा कोई option है? हाँ, ये देखो A and C. अब directly E वाला देखो, promoting problem solving approach, बिल्कुल सही। And directly मुझे answer मेरा मिल जाता है जो कि है, वो आपका answer बन गया है A, C and E. And I hope आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। चलेंगे अपने दूसरे question की तरफ, तीसरे question की तरफ, which is a statement type of question. Point number one या statement number one, tutorials, group discussions, question answer sessions and are dialogic and are part of direct teaching methods, जो कि बिल्कुल सही है कि हमारे tutorials होते हैं, group discussions होते हैं, question answers होते हैं, dialogic एक हमारा relationship होता है teaching method का, जो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। Statement number two, project work, lab work, simulation, role playing are action based and are part of indirect teaching. तो ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, and इसी वजह से हमारा answer क्या बन जाता है? Statement one and statement two both are correct. ठीक है? ये आपका answer बन जाता है. Then question number four, in order to promote direct learning, which of the following methods would be best suited? अगर आप direct learning को promote करना चाहते हो, जहाँ पे teacher active होता है, तो इसमें से कौन सा आप लोग choose करोगे? Team teaching method, प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर विद एग्जांपल्स या डिस्कशन मेथड। तो अगर आप कीवर्ड्स को फॉलो करोगे तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। कमेंट करते जाना कि आप लोग को क्या इसमें से लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, जहां पे आपको दो तीन चीजें एक साथ लग सकती हैं। लेकिन डायरेक्ट मेथड में एग्जैक्टली जो मैंने पढ़ाया, अगर उसको फॉलो करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। एंड आई होप बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया भी होगा, विच इज टीम टीचिंग मेथड। ठीक है, आपका ये आंसर बन जाता है। और इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं आज की क्लास के एंड में। बहुत ये नॉर्मली हर दिन के हिसाब से थोड़ी सी छोटी सी क्लास रही होगी, बट येट फ्रूटफुल रही होगी, अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगता है डेली बेसिस पे आपकी तैयारी अच्छी हो रही है मेरे इतने एफर्ट्स लगाने के बाद, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई फीडबैक देना है, कमेंट करना है, तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड आई विल ऑलवेज रिप्लाई यू बैक इन अ डे और टू, या फिर इंस्टेंटली, जैसा भी होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। बाय एंड टेक केयर।